कोई गत्ता लेते हैं, गत्ते के ऊपर बनाया जाता है, जैसे ये हो गया, इसके ऊपर गत्ता लगा दिया। पक्षी के लिए बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया आइटम। ये घोंसला है, इसमें पक्षी अपने अंडे उंडे रख लेता है। सिंपल आवाज आ रही है, अगर इसमें हल्का सा हम पानी डाल देंगे, थोड़ा पानी देना भी पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग तो ये जैसे दरख्त लगा, इसको टांग सकते हो, करके अंदर रख सकते हो आराम। और इसकी कीमत कितनी होती है? कीमत 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ जी। आपका नाम क्या है भाई जी? अमर सिंह है। अमर सिंह जी, आप कहाँ से हो? मैं जी हरियाणा पंचकूले से। पंचकूले से। जैसे आपकी ये शॉप है फरीदकोट के मेले में, तो ये जो आपके पास सामान है, ये कैसे आप इसकी कारागरी करते हो, कैसे बनाते हो, पहले तो ये बता दो। इसका जी सबका अलग अलग है जी। कोई गत्ता लेते हैं, गत्ते के ऊपर बनाया जाता है, जैसे ये हो गया, इसके ऊपर गत्ता लगा दिया, इसमें प्लास्टिक का लगा दिया जी। ऐसे ये हो गया अपना जूट परारी का जी, जो परारी होती है जी उसका बनता है जी। पराली जो ये धान की होती है, जो धान की होती है, गेहूँ की होती है, जिसको ये जला देते हैं। हाँ। उस चीज़ को इस चीज़ में यूज होता है, मतलब उन चीज़ों की ये बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो और भी आपके पास काफ़ी सामान है, ये जैसे पक्षी के लिए बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया आइटम। ये घोंसला है, इसमें पक्षी अपने अंडे उंडे रख लेता है, बैठ जाता है इसमें। ठीक है। हाँ, इसको टांग दो घर पे, कहीं दरख्त पे टांग दो, अगर पेड़ है घर के अंदर तो पेड़ के ऊपर टांग दो, पेड़ नहीं है तो घर के बाहर टांग दो। ये सारा बहुत बढ़िया आइटम है, बहुत चलता है ये और बिकता भी खूब है ये। अच्छा। हाँ जी। इसकी कीमत क्या है वैसे? कीमत ओनली इसकी 50 रुपये है। 50 रुपये? 50 रुपये। तो जैसे ये बनाते हो आप, कितने देर में बना देते हो इसको जी? एक बंदा हमारा है, पूरे दिन में 12 पीस बनाता था। 12 पीस बनाता है? हाँ जी। ये इसकी डाई बनाई हुई है हमने, उसके ऊपर तैयार करते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास और भी सामान है, जैसे ये चीजें पड़ी है, ये मिट्टी की पिस्सल है, अगर इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे ना, अभी देखो सिंपल आवाज आ रही है, अगर इसमें हल्का सा हम पानी डाल देंगे, थोड़ा पानी देना भी पानी है, थोड़ा सा पानी अगर इसमें हो जाएगा, खुद ये चिड़िया की आवाज निकलेगी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, जैसे चिड़िया नहीं बोलती है ऐसी आवाज करती है। मेरे पास पानी नहीं है, नहीं मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ठीक है। पानी की आवाज अगर आपके पास है, थोड़ा पानी दो मेरे को। पानी है आपके पास? पानी थोड़ा भी नहीं है। पानी नहीं है, नहीं मैं आपको आवाज चेक कराता है इसकी। अच्छा। ये बहुत बढ़िया पिस्टल है, ये बहुत चलती है। अच्छा। हाँ। तो ये बच्चों के लिए है? ये बच्चों के लिए, बड़े भी बजाते हैं इसको। एक बार उनको जब पानी भर के देते हैं ना, कहते हाँ। भी ये जैसे आप बजा रहे हो वैसे बजेगा। हाँ। मैं जैसे बजेगा तभी पैसे देने, पैसे मत देना जी। अच्छा। तब वो जब चेक करते हैं तो बजाते हैं जी, देखते हैं इसको। अच्छा। तो आपके पास और भी सामान है, ये जैसे ये हो गया, ये बनाया देखो नया, एक ये देखो पक्षियों के लिए बनाया है नया चीज। अच्छा। इसमें नीचे धरा डाल दो। हाँ। पक्षी के लिए। हाँ। ऊपर पानी रख दो जी। ओके। बीच में इसको बैठने के लिए, अंडे उंडे रखने के लिए बाहर इसको टुंडी दे रखी है, बाहर अपने बैठ भी जाए, बीच में बच्चे बैठे हुए इसके। अच्छा। इसको आप टांग भी सकते हो और बीच रख भी सकते हो कहीं पर इसको ऐसे। अच्छा। और चाहे तो आपका दरा तो पेड़ हो, इसमें टांग भी सकते हो। अच्छा। ये सब पक्षियों के लिए स्पेशल बनाते हैं जी, पक्षियों का ही काम करते हैं। एक और बात है, ये काम है जो जैसे आपके बुजुर्ग भी ये काम करते थे? नहीं, बुजुर्ग नहीं करते जी, हमने स्टार्ट कराया है। तो ये बुजुर्ग क्या करते थे आपके? बुजुर्ग जी हमारे गरीबी भी थे, बहुत ज्यादा गरीबी से बीते हुए हैं। अच्छा। उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी, तो मतलब आपने एक रोजगार का तलाश लिया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जैसे ये चीजें बनी हुई है? हाँ जी, ये सारा हम अपने आप तैयार करते हैं अपने घर में, जो बच्चे रहते हैं घर में उनको लगा देते हैं, सारे लग जाते हैं घर में। बच्चे भी बनाते हैं ये? भी बच्चे हमारे जो है। हाँ। अपने स्कूल से आकर टाइम मिलता है, घंटा इसमें लगा दिया। हाँ। तैयार कर दिया जी। हाँ। उनसे भी लगाते आगे जो चलता रहे सिस्टम। ये काम है जो बहुत ब्रीक है? हाँ जी, हाँ जी, ब्रीक है, टाइम लगता है जी, टाइम लगता है इसमें। तो ये इसकी जैसे ये की हुई है, एक साहब की कढ़ाई की है ये, तो इसमें कितना का कम टाइम लगता है इसमें? इसमें टाइम तो ये काफ़ी लगता है, बस यही है कि अपना स्टार्टिंग 10-20 रुपये पीस पे बचते हैं, बाकी सब अच्छा निकालते हैं। ठीक है। सारा दिहाड़ी निकालते हैं, घर के ही बंदे हैं, इस करके 12 खाता है। हाँ। किसी मजदूर से कराएंगे तो इस रेट में 12 नहीं खाएगा। ओके। हाँ, हम अपने आप ही तैयार करते हैं तो हमारा 12 खा जाता है इस रेट में, हम देते हैं। ये और भी चीज़ें पड़ी हुई है आपके पास? आ गई है, बिलचैन आ गई है अपने पास, बहुत ये देखिए हट बनाई है, ये
हाटा सो वास्ते ही है। अच्छा ये सो वास्ते बनाई है, सिर्फ घर में रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए, अपने अपने ऑफिस में जाकर रख सकते हो ये, उसके लिए स्पेशल बनाई हुई है। उसके ऊपर हट के ऊपर चिड़िया बैठा दो, बहुत अच्छी लगती है देखने में। एक अपना और है नई चीज, एक ये है, ये देखो कितनी सोड़ी बनाई हुई है, इसमें पेड़ लगा रखा है, नीचे चार बच्चे बैठा रखे हैं, ऊपर भी दो बैठा रखे हैं, बरीकी काम है, थोड़ा सा लकड़ का लगाया हुआ है, बरीकी काम। एक और भी बात है इसमें कि ये जो बच्चे हैं ये चीजें किसकी बनती है? ये तो लकड़ होगी, ये सूत वगैरह हो गया है ना, तो ये चीजें किसकी बनाते हो फिर आप? ये थोड़ा सा इसमें ना प्लास्टिक का बनता है, ये बना हुआ लेके आते हैं हम, इसमें हमारे को फिट करना पड़ता है, कला पीस मिलता है, ये लगाते हैं अपने हाथ से इसको, ठीक है, सेटिंग करके जी, ठीक है, अलग अलग पीस। तो ये जैसे दरख्त लगा इसको टांग सकते हो घर के अंदर, रख सकते हो आराम। और इसकी कीमत कितनी होती है? कीमत 100 रुपए। 100 रुपए, ठीक है, मतलब एक हाथ की कारीगरी है जो पूरा दिन लगा के एक होता है, तैयार होती है एक चीज। तो ये चीजें हैं जो वो ये सब रेडीमेड, सब ये रेडीमेड है, ये हाथों की कारीगरी यही है, सारा हाथ की कारीगरी ये रख के सारा हाथों की कारीगरी। और आपके ये पर ये घंटियां बनाते हैं जी, ये बिलचैन हो गया जी, इस पे कलर वगैरह सारा कुछ बांस वो सारा कुछ अपने हाथ से तैयार करते हैं, ठीक है, मतलब सारा काम हाथ से ही तैयार होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारा। और एक परिवार के कितने मेंबर इस काम को करते हैं? हम ये अपने 3 भाई 4 भाई 4 8 बंदे लगे होते हैं इस काम के अंदर, इस काम के अंदर। और जैसे बाहर कौन कौन से राज्यों में जाते हैं फिर आप? ये हम सारे में जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, यूपी जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सारे में घूमते हैं। अच्छा, सारे में लगाते हैं, जहाँ जहाँ बुलाती है हमारे को गवर्नमेंट स्टॉल देती है वहाँ पहुँचते हैं। तो ये पंजाब में जो मेला लगा फरीदकोट का, कोट का, इसमें भी सरकार का था कि भाई बुलाया ना भाई, ठीक है। तो ये दस्तकारी का काम आप मतलब घर पर ही करते हो? हाँ जी, हाँ जी, सारा अपने घर पे ही करते हैं, अपने अपने घर के ही करते हैं, कोई बंदा नहीं रखा हुआ कुछ, ठीक है।